इसको भी देख लो पर ग्राम 500 रुपए का भाई। इधर लाइट दो चार एक्स्ट्रा ये लाने कहां लिखा है कहां लिखा है बताओ। हरामजादे 20 बेच रहे हैं लेकिन 20 के नाम पर नहीं। जिनको भी खाने और पीने का शौक है तो आ जाए यहाँ पे। G20 इंटरनेशनल फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल लगा हुआ है और हर स्टेट से और हर होटल कह सकते हैं फूड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ITC मौर्या, ले मेड्रिन, द पार्क, सारे होटल हैं यहाँ पे, सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये भी कोई होटल ही है। हाँ ये ज़्यादा बिके, लेमन पाई भी बिके, हम लोगों ने भी रिफ्रेश किया उसको। चलो मैजिक में चलो, मैजिक मतलब में चलो, आपको पकड़ते आप चलो, आपको पकड़ते आप चलो। इसका नाम क्या है सर? ये इनसे पूछिए नाम बताइए। सर इसका कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा मणिपुर में हम सोचता था कि ये चाउमीन और ये सारे मोमोज और ये सभी होते हैं। इस बार सर पहली बार देख रहे हैं कि हमको कड़ी पकौड़ा भी मिल रहा है। थोड़ा टेस्ट कर लेना जी। ITC होटल का यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा होगा, बिरयानी और सब पनीर ज़्यादा है। बड़े खूबसूरत खूबसूरत खाने हैं सर। ये 200 रुपये की कॉफ़ी है। इसका कैप है हेलो ये महाराष्ट्र का फिंगर लिकेज इंटरनेशनल खेमचंद की दौलत की चाट सबसे घटिया होती है, सबसे ही घटिया। ये आपको बिहार का लिट्टी चोखा मिलेगा। जब से नहीं गया, जब माल आ गया था वो बोतल लेके गया। यहाँ चाय और पहले से ही होनी चाहिए मैडम। चीनी डलवा दी क्या आपने? चीनी में ना दूंगी सर। फोटो दिखा सकते हैं, फिल्टर कॉफी चाहिए।
नमस्ते नमस्ते कोनिचिवा डू यू नो हिंदी लिटिल बिट माय नेम इज मिहोको मिहोको व्हाट प्रोनाउन मिहोको आई एम राइट सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउन या गुड प्रोनाउंसिएशन थैंक यू योर नेम मीनिंग नेम मीनिंग ऑफ योर नेम Not much meaning. Not possible. Every name has some meaning. Your name should also have a meaning. Yeah, it's difficult to explain. Japan is difficult. People are very disciplined and time strict. Punctual. Time is strict. Is it right or not? Yeah, probably time is strict, but we are comfortable because we are. People who put priority in discipline and order, but Indian people put priority also in discipline and order. So we have much in common, I think. But we are. Don't you agree? We are late in office. Our office. Oh. We are going late. Indians are late. So how many? India, and for me it's comfortable. Comfortable. So yeah, it's good. So how long you have stayed in India? Only half a year. Half year. Only 6 months. So how you will describe in one word India about India? Excuse me. How you describe in one word? Happy or? Yeah. I like this country very much. Colorful. India is colorful. Colorful. Yes. Like you know, you see there. It's festival. Very colorful. Festival. You. Yeah, people like festival, and they are very friendly. I like India very much. Yeah. Thank you. Yeah. Welcome. Thanks for visiting. And please try. We have tried your sushi rice. Oh, thank you. He tried and okay. It's a good taste. Thank you. And people are also thank you. Looking.